गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम अरविंद यादव, योर साइंस टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स एंड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। यू ऑल हैव हर्ड दिस वर्ड फॉसिल फ्यूल्स, सभी ने सुना होगा। ओके, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, एवरीबडी मस्ट बी नोइंग। ओके, नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट these fossil fuels. First point in this is that fuel is used as a source of energy. Fuel को हिंदी में हम कहते हैं ईंधन। तो fuel जो होता है वो energy के source में इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो जो हमारी LPG है, cooking gas है, वो क्या है, एक fuel है। वो energy provide, heat energy देती है जिससे खाना पकता है। गाड़ी आपकी चलती है petrol या diesel से, तो पेट्रोल या डीजल क्या है, दैट इज फ्यूल, इट प्रोवाइड्स पावर टू द इंजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूल इज बर्न टू सप्लाई हीट। अभी मैंने आपको बताया तो फ्यूल होता है, ईंधन जो होता है आपका, वो जलाते हैं हम उसको, तो इट सप्लाइज हीट, वो हीट प्रोड्यूस करता है। नाउ वी कम्स टू फॉसिल फ्यूल्स। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच existed upon the earth at one time and got buried under the soil millions of years ago. ठीक है, तो fossils वो होते हैं dead plants और animals जो है, जो बहुत साल पहले earthquake की वजह से या flood की वजह से या कोई और calamity की वजह से ज़मीन के नीचे soil में दफन हो गए थे, buried हो गए थे। ठीक है, उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। नाउ एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल्स आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज ऑल आर सम फॉसिल्स। नाउ वील डिस्कस अबाउट कोल। ओके, कोल इज आल्सो अ फॉसिल, सो हियर वील डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल इज अ नेचुरली अकरिंग फॉसिलाइज्ड प्लांट मैटर कंसिस्टिंग मेनली ऑफ वुड। कोल जो होता है वो क्या है, मेनली कोल जो होता है वो वुड होता है। बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स से वो जमीन के नीचे बरी अप हो गए होंगे अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट है, केमिकली इट इज कार्बन हाइड्रोजन, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ कोल। कोल कंटेंस कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर, सो दीज ऑल थिंग्स कोल कंटेंस। Now, how it is formed? Millions of years ago, forest got buried deeper and deeper under the layer of soil due to flood, earthquake. अभी मैंने आपको बताया, बहुत साल पहले, millions of years ago, volcanic eruption की वजह से ये सब जो है, जो forest थे, जंगल थे, वो ज़मीन के नीचे बरी अप हो गए। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, दिस मैटर स्लोली एंड स्लोली गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। तभी मैंने आपको बताया था कि जब ये सारी चीज़ें अर्थ के नीचे बरी हो जाती हैं, तो उसके बाद एब्सेंस ऑफ एयर में एंड अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, धीरे धीरे, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। दिस प्रोसेस माइट हैव टेकन मोर देन 300 मिलियन ईयर्स, 300 मिलियन साल से भी अधिक समय लगता है इसके फॉर्मेशन में। अब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बन रिच वेजिटेबल मैटर टू कोल अंडर अर्थ, मतलब ये जो हमने अभी आपको बताया था, फॉरेस्ट वगैरह है ये बरी अप हो गए थे, इसको जो है, ये जो प्रोसेस होता है जिससे जो है डिके से जो है कोल कन्वर्ट होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बनाइजेशन एंड द कोल इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फॉसिल्स। और जो आपका जो कोल होता है, ये कोल माइंस में आपको मिलता है। वेट अ मिनट, आई विल शो यू सिमेटिक डायग्राम ऑफ अ कोल माइन, जस्ट वेट, सी दिस इज़ अ कोल माइन। ओके, ये देखिए आप ऊपर, ये ड्रिलिंग होती है, इस तरीके से रास्ते बनाए जाते हैं
और लिफ्ट वगैरह लगाई जाती है, अंदर माइनिंग होती है। कोल माइंस जो होती हैं बहुत ही रिस्की एरियाज होते हैं। कभी कभी आप मूवीज़ वगैरह देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, नीचे इतनी खुदाई हो जाती है, माइनिंग हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब सी बेड के करीब में पहुंच जाते हैं और इनमें लीकेज हो जाता है। तो आपने सुना होगा घटनाएं घटती हैं जिनमें जो है बहुत सारे मज़दूर जो है कोल माइंस के अंदर जो है डूब कर मर गए, तो ऐसा होता है। सो दिस वॉज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोल। इन द नेक्स्ट लेक्चर वील डिस्कस अबाउट द uses of coal, its product and their uses also. Okay, thank you and nice day.